हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। बाल विकास और मनोविज्ञान की सीरीज में हम आपके सामने और प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कमजोर वर्ग के पालक से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, इसमें 45 घंटे, ठीक है, 45 घंटे बनाकर कार्य करना है। जब एक नियोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयोग के अनुसार अधिक संजातीय हो गई है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्रथम शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक एवं भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयोग के अनुसार अधिक समझाती है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है, किस पर मनन करता है, इसके अतिरिक्त क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है।
अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक ही सीखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन करने में। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A में। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? अंतर्मुखी, मध्य बुद्धि से सीखने वाला, प्रतिभाशाली, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? केस स्टडी मेथड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है बालक की आयु। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होता है? बालक की आयु। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थी शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा के लिए। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशेष श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य लगभग 10 सही 1/2 वर्ग की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन किसका है? रिल बर्ट का है। एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल।
समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष और सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा को देना उपयुक्त सभी। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, यही प्रश्न ऊपर था रिपीट हो गया है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ में। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक सांस्कृतिक जानकारी की अनुभूति करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्रथम शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो बालकृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना सत्य नहीं है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर। इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40 का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यचर्या सुधार को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक के लिए। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में यह अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 45 घंटे। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि इनमें से सभी। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए नहीं लगाया जा सकता। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना और जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है ताकि मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित चला सकते हैं? अनुच्छेद 30A। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए क्या करना चाहिए? जीवन
जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करती है? ये समावेशी शिक्षा को, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है? धैर्यशीलता का कम होना। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में, विद्यालय में। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है पिछड़े हुए बच्चों को, निम्न में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? भावनात्मक रूप से परिपक्व। समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है, विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? साधन संपन्न बालक। दोस्तों यहाँ पर हमने 90+ प्रश्नों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हम और भी प्रश्न यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए बाल विकास और मनोविज्ञान से रिलेटेड। इसमें पूरा हमने इस चैनल के माध्यम से एक और सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, मैथमेटिक्स। हमने गणित भी स्टार्ट किए हुए, उसमें हमने लाभ और हानि, मात्रा, लाशा, औसत, ठीक है, बीज गणित, इन सभी का हमने सेपरेट लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। और साथ में हमने एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें, पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें हमने पुराने जो प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र हैं, उन पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, कम से कम समय में हम ज्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जय हिंद।